पोर्टल का हमारे सामने जो लगाया हुआ है कि जैसे मान लो मेरा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर मेरे सामने आ जाएगा। मेरी कोई कॉलिंग अटेंशन लगी है, जैसे कॉलिंग अटेंशन शुरू होगी मैं पढ़ना शुरू करूंगा, उसके साथ के साथ एक बटन लगा हुआ है जिसपे रिप्लाई लिखा हुआ है, मैं उसको दबाऊंगा उसके ऊपर उसका रिप्लाई आ जाएगा। मैं उस रिप्लाई को जैसे स्पीकर पढ़ना शुरू करेगा उसी टाइम रिप्लाई आ जाएगी सामने, मैं साथ के साथ रिप्लाई पढ़ लेता हूं। कोई भी मेंबर है वो पढ़ेगा, रिप्लाई पढ़ करके ही उसकी सप्लीमेंट्री पूछता है क्या रिप्लाई आया इसका। रिप्लाई में क्या सरकार ने कुछ नहीं है, सरकार तो उसके अंदर लिपापोती करने का काम कर रही थी सारी, लेकिन हम अपनी सप्लीमेंट्री में सरकार से पूछते सारी बात, फंसते तो वहां जाकर के ना। उन्होंने तो ये कह दिया आदमी को तस्करी करने वाले को या कोई गलत काम करने वाले को केवल जुर्माना लगा करके कैसे छोड़ सकते हैं। सर आपके पास जो जानकारी है आपके हाथ से उसमें क्या क्या तथ्य आपके सामने आए, पता किया? मैं तो यही पूछता वहां पे सबसे पहला कि इन लोगों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई क्या की, तो वहीं फंस जाते, कार्रवाई तो कुछ कर ही नहीं रखे, जुर्माना लगा रखे। आप चोरी करो, आप तो चोरी करके भेज दो हजारों करोड़ का माल, और सरकार आपके जुर्माना लगा दे 28 करोड़ का, आपको छोड़ देगी जब मौज कर, ये कैसे संभव हो सकता है? पहले भी कभी ऐसे मामले डिस्कशन नहीं हुए जो जुडिशियल थे कि पहला आपका ही मामला होगा क्या जो नहीं डिस्कशन नहीं किया? शराब वाले मामले पे तो कभी डिस्कशन हुआ ही नहीं, उसमें आज तक ही नहीं हुआ। शराब घोटाले पे मंत्री ने अपने आप क्लीन चिट दे रखी है कि शराब का कोई घोटाला नहीं हुआ, जबकि शराब के सबसे ज्यादा बड़े घोटाले हैं, सबसे ज्यादा घोटाले हैं।